हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूशन बाय सीमा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इससे पहले आपके स्क्रीन पर मेरे ट्यूशन का नाम लर्निंग विद सीमा आ रहा था, जिसे मैंने एडिट करके ऑनलाइन ट्यूशन बाय सीमा कर दिया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होके देखिए और एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़िए। स्पीड ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे ही चलेंगे लेकिन सारे टॉपिक्स को समझते हुए चलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आपके सामने मैं पहले से ही फॉर्मूलाज 1 to 8 लिख के रखी हुई हूँ। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को पहले डिस्क्राइब करूंगी, फिर चैप्टर के एग्जांपल्स को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास 7th में भी आप प्रॉफिट और लॉस से थोड़े बहुत इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो चलिए मैं उसको पहले रिवाइज कराती हूँ, फिर मैं फार्मूलाज को डिस्क्राइब करूँगी। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब आप समझते हैं द अमाउंट पेड टू परचेज, मतलब कि जो भी अमाउंट हम किसी सामान को परचेज या खरीदने में लगाते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज CP, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसका हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ कि किसी सामान को बेचने पर, बेचने से जो हमें प्राइस मिलता है उसे हम SP या उसको फुल फॉर्म में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP-CP। तो SP-CP तभी हम कर सकते हैं जब हमारा सेलिंग प्राइस यानी बेचने का प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का प्राइस कम होगा। सेकेंड फार्मूला इज लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि। तो हमें किसी पर भी हानि कम होगा जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। थर्ड फार्मूला इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकाल, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट किसी क्वेश्चन में निकालना हो तो इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए। प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हम फर्स्ट फार्मूला से उसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट के लिए हम करेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट पहले करना होगा। सेकेंड इज फोर्थ फार्मूला इज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए हमें पहले लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय CP। इसका मतलब है कि लॉस हमें फार्मूला नंबर सेकेंड से पहले लॉस निकालना होगा, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा लॉस परसेंट फाइंड आउट हो जाएगा। फिफ्थ फार्मूला इज प्रॉफिट। प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP/100। और प्रॉफिट हम इस फॉर्मूला से तभी निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया होना चाहिए। सिक्स्थ फार्मूला इज लॉस। तो लॉस निकालने के लिए हमें लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस पहले क्वेश्चन से हमें मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम लॉस इससे निकाल सकते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया लॉस परसेंट मल्टीप्लाई CP/100। सेवेंथ के दो पार्ट्स मैंने करके रखे हैं, 7A and 7B। तो 7A में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट हमारे पास होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक 100। सेवेंथ बी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए हमें कॉस्ट प्राइस
एंड लॉस परसेंट पहले से मिलना चाहिए, उसके बाद हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट ऑब्लिक 100। अब इस फॉर्मूला को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एस्ट ए सी पी इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इससे भी आप समझ ही गए होंगे कि हमें एस पी और प्रॉफिट परसेंट जब मिला हुआ रहेगा तभी हम इस फॉर्मूला से सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। एस बी इज सी पी इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसमें भी आप समझ गए हमारे पास एस पी और लॉस परसेंट जब रहेगा तभी हम सी पी से सी पी हमें फाइंड आउट होगा। तो इसका क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे स्क्रीन पर दिए हुए सारे फार्मूलाज को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे फार्मूलाज को पहले लर्न कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जब आपके दिमाग में ये सारा फार्मूला सेट हो जाएगा उसके बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के रखी हूँ, मैं उसे आपको पढ़ के बता रही हूँ। अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹3,120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट सोल्ड फॉर ₹3,640। अब इसे हम पहले ऐसे समझेंगे कि हमें इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹3,120 और लॉस परसेंट दिया है 4%। तो जो हमें दिया है पहले हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे। गिवेन दैट एस पी इक्वल टू ₹3,120 एंड लॉस इक्वल टू 4%। अब देखिए कि हमें एस पी और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है। तो फॉर्मूला देखने से हमें पता चल रहा है कि जो मैं आपको एट्थ में बताई थी फॉर्मूला नंबर एट्थ में कि सी पी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सी पी इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 ऑब्लिक 100 प्लस हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट। अब इस पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। एस पी का वैल्यू हमें दिया है 3,120 मल्टीप्लाई 100 100 माइनस 4। इज इक्वल टू 100 बाय 96 तो यहाँ देखिए 3,120 और 96 को मैं पहले 12 से डिवाइड की हूँ। तो 12 से डिवाइड करने पे 3,120 260 टाइम्स में डिवाइड हुआ और 96 8 टाइम्स में। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू या 8 और 260 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65। फिर मैं इसको फिर 2 से 100 को 50 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे और जब 65 और 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3,250 रुपीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि न्यू सीपी न्यू एसपी हमें दिया हुआ है रुपीज 3,640। ये हमारा न्यू एसपी दिया हुआ है और इसके आधार पर अब यहाँ पर देख लीजिए
कि हमें सीपी मिला है 3,250 रुपीज और एसपी मिला हमें क्वेश्चन के आधार पे दिया हुआ है 3,640 रुपीज। अब इससे जब सीपी हमारा कम है और एसपी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गेन हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा तो हमारा यहाँ पे गेन हो रहा है। इससे हमारा डिसाइड होगा कि हमें गेन हो रहा है, तो गेन हम निकालेंगे, गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की जैसा हमें क्वेश्चन से मिला है 3,640 माइनस रुपीज, हमने सीपी फाइंड आउट किया है 3,250, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आएगा 390 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट निकालना है, यानी हमें लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो, गेन है तो गेन परसेंट निकालना है। तो हमें इससे लास्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हमें गेन हो रहा है, तो गेन परसेंट हमारा हो जाएगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन मल्टी गेन बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें गेन हुआ है 390 रुपीज। ठीक है, क्लियर है, और हमारा सीपी है 3,250, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई कीजिए और जब इसको हम कैंसिल आउट करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा 12%। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन का उसके सॉल्यूशन के साथ में स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको दो बार तीन बार बनाकर इसको ढंग से समझ लीजिए। तो आज मैं आपके साथ कॉस्ट प्राइस, गेन और लॉस परसेंट निकालने के लिए डिस्कस की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।